I just feel about I actually don't know about the controversy or anything. So, साल 2019 के वो ऐसे कौन-कौन से सॉन्ग हैं जो आपको बहुत ही पसंद आए? तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम. ये मेरा फेवरेट है. लेकिन अवार्ड ही नहीं मिल पाते कबीर सिंह को. हाँ जी, कबीर सिंह के अवार्ड नहीं मिल पा रहे. कहाँ पे भी देखे हम अवार्ड नहीं मिल पा रहे. क्या कारण है? आपको लग रहा है ऐसा? हाँ. क्या आप कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जानबूझ के पूछ रहे हो आप? आपको मालूम है क्या हुआ है दो दिन पहले ट्विटर पे? तो लेकिन जिस तरह से लोगों ने काफी पसंद किया है, किसी ने देखा, लेकिन बड़े मेरे हिसाब से कबीर सिंह का एल्बम सबसे बेस्ट था और हर अवार्ड उनको तो मिलना ही चाहिए. मैं बोलूँगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी बोल दूंगा, कि मुझे लगता है कि फिल्म फेयर में भी मनोज मुंतशिर सर को जीतना चाहिए था तेरी मिट्टी के लिए. आई लव मनोज सर वर्क माई सेल्फ. मेरे गाने लिखे हैं उन्होंने, तो आज मैं नॉमिनेटेड हूँ एक गाने के लिए. गाने का नाम है वो बारिश है. तो वो गाना भी मनोज सर ने ही लिखा है. तो आप इतना खुश हो गए हो, देखो इतने कुछ कंट्रोवर्शियल बोला, ऐसे खुश तो हंसमुख हो गए आप तो. तो हाँ, नहीं मुझे तो लगता है. अच्छा, ऐसे क्या बात, क्या बात है. म्यूजिक में तो नहीं, मुझे लगता है एक्टिंग में उन लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं. म्यूजिक तो अनडाउटेड ऑडियंस ने सुपर हिट बना एल्बम को. इन लोग दे, कोई और दे ना दे, वो फर्क नहीं पड़ता. जीत रहे तो है, दिल जीतना जरूरी है. अवार्ड मिले ना मिले. आ जाओ भाई, कोई नहीं रोक रहा. आ जाओ, ये सब मेरे दोस्त हैं, इन्होंने सबने साथ में कबीर सिंह के म्यूजिक पे काम किया. अरे अरे, क्या बात. शुक्र है मेरे लिए, फॉर अ चेंज मेरे लिए नहीं हुआ. मैं आई एम सो यूज टू कॉन्ट्रोवर्सी, मेरे पे ही होती रहती है हर बार. इस बार फॉर अ चेंज हुआ. मतलब काफ़ी लोग सहमत है कि इसको चलो दे देना चाहिए था. चलो शुक्र. लेकिन मुझे लग रहा है कि अवार्ड एक पॉइंट ऑफ व्यू है. उस पॉइंट ऑफ व्यू का लॉन्ग रन में उसका कोई वजूद नहीं है लॉन्ग रन में. इसलिए कि अब जैसे नमस्ते लंदन है, तो उसको कहीं पे भी नॉमिनेट ही नहीं किया, आपको पता भी नहीं है. या मैं जहाँ रहूँ तेरी याद साथ है, नॉमिनेट भी नहीं हुआ था. तो अब आज किसी को याद भी नहीं है कि वो नॉमिनेट नहीं हुआ. वो एक लैंडमार्क गाना बन चुका है लोगों के लिए. तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस वक्त, उस मोमेंट के लिए ज्यूरी का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जिसकी वजह से अवार्ड एक किसी को मिल जाता है. दैट डजंट मीन कि वो जिसको नहीं मिला है वो डिज़र्व नहीं करता. बट लॉन्ग रन में अगर वो गाने में बहुत ज़्यादा दम है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ जाते हैं. वो गाने हो, या अमजद खान जी को शोले के लिए मिला ही नहीं अवार्ड, तो अब नहीं मिला. बट दैट डजंट मीन कि वो ग्रेट नहीं थे. और जिनको मिला वो ग्रेट नहीं थे ऐसा भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि अवार्ड तो किसी एक को मिलना है. तो वो एक बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू ड्रिवन माइंडसेट है. बट मुझे लग रहा है कि आर्टिस्ट जो बहुत बहुत मेहनत करते हैं, जो ऊपर आते हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है. मैं भी सेंसिटिव था, बट आई थिंक विद टाइम आपको अपना ड्यू मिल जाता है. मुझे नहीं लगता कि किसी को अपना ड्यू मिला नहीं है, क्योंकि उसे उस वक्त अवार्ड नहीं मिला, या जिसको मिला अवार्ड वो किसी और की क्रेडिट छीनना चाहता है. तो मैं इस पूरे विवाद को ये बात कहना चाहता हूँ कि इट्स ऑल अ पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि जो मुझे 6 दिखता है वो आपको 9 दिखता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है. और उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप बहस कर सकते हैं, बट उसमें कोई रॉन्ग या राइट नहीं है. मुझे नहीं लगता कि किसी को अवार्ड अगर मिला है तो वो डिज़र्व नहीं करते, या जिसे नहीं मिला वो डिज़र्व वो भी नहीं करते, वो भी डिज़र्व करते हैं. सो इट्स अ वेरी पॉइंट ऑफ व्यू ड्रिवन थिंग. थैंक यू. आपने कहा कि गली बॉय जो फेवरेट सॉन्ग है, पर सर गली बॉय का सोशल मीडिया ट्रोल ट्रोल हो रहा है उसका. हाँ, कहा जा रहा है कि केसरी का सॉन्ग सबसे अच्छा था गली बॉय से. नहीं, ये मैं मानता हूँ केसरी का गाना बहुत मेलेडियस है डेफिनेटली, बट गली बॉय इज़ अ वेरी डिफरेंट म्यूजिक. इट्स नॉट हैपेंड हियर बिफोर. मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा म्यूजिक का कंसेप्शन हुआ नहीं है, इसलिए उसको ये इस हिसाब से भी देखना चाहिए कि कोई नई चीज़ आई है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.